आपका स्वागत है, क्योंकि आप नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट में विश्वास करके ट्रीटमेंट करवाने के लिए आए हैं, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। और अपने रोग और जो भी परिस्थितियाँ बताइए, क्या हुआ है, क्या तकलीफ है, उसके बाद में जब ट्रीटमेंट करेंगे उसके बाद का वीडियो बताएंगे, तब संसार को मालूम पड़ेगा कि बहरापुर कोई रोग है ही नहीं। और आपको आश्चर्य लग रहा है ना, अब आश्चर्य नहीं लगेगा। स्टार्ट करिए। सर, मेरा नाम पवन कुमार शर्मा, मैं जयपुर के पास में कोई रूरल में रहने वाला हूँ और मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। मेरे को लगभग करीबन 10-15 साल पहले लेफ्ट ईयर में टिनिटस टाइप की आवाज़ आई, और उस आवाज़ से मैंने डॉक्टरों को बताया तो डॉक्टर ने कहा इसका अभी फिलहाल कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आप काम चलाते रहो। उसके बाद इस कान से सुनना धीरे 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 2-3 साल में कम हो गया। फिर भी मेरा राइट ईयर से काम चल रहा था, फिर उस राइट ईयर में भी पिछले 3-4-5 साल से इसमें भी अचानक आवाज़ आई। दोनों कानों में जब मेरे आवाज़ आके हियरिंग लॉस हो गया, तो उसके बाद मेरे को एक तरीके से लगा कि अपने साथ तो बिल्कुल इंद्री खत्म हो रही है, अपन क्या करेंगे भविष्य में। तो मैं हर डॉक्टर के पास जयपुर में, मैंने सबसे पहले जयपुर ट्राई किया, जयपुर में कई स्पेशलिस्ट थे, बड़े बड़े हॉस्पिटल थे, उनमें ट्राई किया। उन्होंने मेरी ऑडियोग्राम की और उसके बाद कहा कि भैया तुम्हारी नसें सूख गई है या इनमें ब्लड संचार नहीं है, इसका ब्लड में कोई इलाज नहीं है। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं दिल्ली एम्स में गया, लगातार 3-4-5 महीने मैंने वहाँ जाँचें कराई। वहाँ मेरे मेडिकल बोर्ड ने आखिरी में मेरे को बैठा के यही डिसीजन दिया कि भैया तुमको ये हियरिंग इम्प्रूवमेंट इस लाइफ में दोबारा नहीं मिल सकता, और तुमको केवल एक सप्लीमेंट्री हम दवा देंगे जिससे तुम्हारा मेंटेन रख सके। उसके बावजूद भी मेरे को हियरिंग लॉस लगातार बढ़ता जा रहा है। जयपुर वाले कई डॉक्टरों ने मेरे कानों में स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाए और स्टेरॉइड की कई 60-60 mg टेबलेट पर डे की मेरे को दी। उससे मेरा वेट भी बढ़ने लगा, हार्ट प्रॉब्लम हो गई, बीपी की टाइप मेरे को शिकायत रहने लग गई। अब उस स्थिति में मेरे को ऐसा लगने लगा कि ना तो मैं सर्विस कर पा रहा हूँ, ना घर परिवार को संभाल पा रहा हूँ। तो मेरे को एक तो होपलेस माइंड हो गया, मैं अकेले बैठे बैठे सोचता रहता, आँखों में आंसू आ जाते हैं मेरे कई बार, बच्चे मेरे को बार बार कोई बात रिपीट करते तो मेरे को उनको जवाब नहीं दे आता, तो मेरे को ऐसा सोचता कि मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुन पा रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं सुन पा रहा हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। फिर धीरे धीरे एक अब आदत पड़ गई, भैया भगवान ने तेरे साथ कर दिया, तो मैं तो ये देखता मेरे नीचे देखता चलो अपनी आँखें अंधी नहीं हुई, अपने हाथ पाँव नहीं टूटे, कहाँ नहीं तो। फिर मेरे ट्रीटमेंट एक तरीके से मेरे पास कोई था नहीं। मैंने अभी एक यूट्यूब पे मेरी एक फेसबुक पे फ्रेंड है सीमा जी करनाल हरियाणा से हैं, उन्होंने डॉक्टर साहब के लिए मेरे को सजेस्ट करा, इनका एक बार वीडियो देखी। फिर मैंने इनका वीडियो देखा, एक नहीं कई वीडियो देखे। तो वीडियो देखने के बाद इनकी जो ट्रीटमेंट की इन्होंने मेरे को एक वो बताया ट्रीटमेंट करने का तरीका, और इन्होंने मेरे को एक तरीका से कहा कि बहरापन दूर हो सकता है, तो बिल्कुल दूर हो सकता है, तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ। मैंने करीब रिलेशन वालों को वो वीडियो भेजे, एक मेरे रिलेशन में मेरे ब्रदर इन लॉ है, उनके भी ईयरिंग में लॉस है टिनिटस, तो उनको मैंने भेजा, तो वो उन्होंने मेरे को एक नए सिरे से नकार दिया कि ये कुछ नहीं होता, जब डॉक्टर ने कह दिया नर्व का कोई इलाज नहीं है तो ये सब प्रोपोगंडा है पेशेंट है बुलाने की। फिर मेरे एक पता नहीं अंदर से एक आवाज़ उठी, यार अपने को चलना चाहिए, जब अपन ने इतना सब कुछ किया है 10-15 साल में, कई जगह गए हैं डॉक्टरों के पास, कई पैसा बर्बाद अपने किया है, ट्रीटमेंट लिया, यहाँ भी एक ट्राई करो। अब मैं इसी उम्मीद के साथ डॉक्टर साहब के पास आया हूँ, अगर ये मेरे अगर इसमें इम्प्रूवमेंट आता है या टिनिटिस में कमी होती है, तो मेरे लिए एक ये प्रतिभा जीते जागते भगवान होंगे, और मैं इनको जिंदगी भर इनका एहसान मंद रहूंगा और इनके चरण में स्पर्श करता हूँ। इस मामले में मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब आप कुछ कर सकते हैं, प्लीज मेरे लिए कुछ कीजिए। सर, भगवान भगवान होते हैं, मैं तो ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, ईश्वर की कृपा से सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। साहब नमस्कार। नमस्कार सर। ट्रीटमेंट आपकी हो चुकी है और करीबन 1-1 घंटा दोनों कान में दवाइयाँ गई है आपको, राइट लेफ्ट कान में जो मशीन लगी हुई थी मशीन हटी नहीं है, मशीन तो लगानी ही पड़ रही है, मशीन लगा के ही सुनाई दे रहा है। पर पहले से कैसा है, मशीन लगाने से पहले डिफरेंस हुआ या नहीं हुआ? मशीन लगाने के बाद थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लगा है, मशीन से थोड़ी आवाज़ साफ आ रही है। थैंक यू। और जो राइट कान था वो बिल्कुल जो आपको बिना मशीन के नहीं सुन पा रहे थे पीछे से, अब नॉर्मल सुन पा रहे कि नहीं सुन पा रहे? हाँ नहीं, मैंने पीछे से जैसे आपकी परीक्षा की थी कोर्ट में, बस वीडियो पड़ा हुआ है पुराना, तो उसके अंदर पीछे से आप नहीं सुनते थे, अब आप पीछे से सुन पाते हैं ना? सुन पाता हूँ पीछे, यही बात है। मैं कठिनाई से इम्प्रूवमेंट का एक्सेप्टेंस नहीं करना है, आनंद से करना है, क्योंकि आपके साथ भी इम्प्रूवमेंट आपके साथ जा रहा है,
मैं तो हूँ ही आपकी सेवा में, मैंने तो आपका कह दिया कि लाइफ टाइम फ्रेंड बनाए आपको, चिंता की विषय नहीं है, जब चाहिए मेरी सेवा मिलेगी। समझ गए? कुल मिलाकर के आपको क्या आशीर्वाद देना है? मैं तो यही आशा करूंगा कि सर कि आपकी दवा से मेरे को ये 3 महीने में जो प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म हो जाए और मैं दोबारा यहाँ आऊँ आपके पास, थोड़ी इसी मतलब दवा लेने नहीं आऊँ बल्कि आपसे आपके प्रश्न स्पर्श करने आऊँ। थैंक यू सर, सो मैडम।